जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख मोहम्मद यासीन मलिक को शनिवार को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वे अलगाववादी द्वारा आहूत विरोध प्रदर्शन में भाग लेने जा रहे थे। जेकेएलएफ के एक प्रवक्ता के मुताबिक मलिक अलगाववादी समूह संयुक्त प्रतिरोध नेतृत्व द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पुराने शहर के नोहट्टा इलाके की ओर जा रहे थे जब पुलिस ने उनका वाहन रोककर उन्हें हिरासत में लिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीर वाई उमर फारूक ने अपने ट्विटर पेज पर मलिक के हिरासत का फुटेज अपलोड किया और पुलिस कार्यवाही की कड़ी निंदा की। मीर वाई ने ट्वीट पर कहा कि युवाओं की लगातार हत्याओं, छात्रों पर बल प्रयोग और एनआईए द्वारा हमारे नेताओं की निरंतर गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ जामा मस्जिद के पास शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए जा रहे जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार और उन्हें गिरफ्तार किए जाने की उन्होंने कड़ी निंदा की है।